सुरहिया मेला के नाम से इसको जाना जाता है। ये 16 दिन का पूजन शुरू होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक। यह 16 दिन का व्रत होता है, इसमें भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। 16वें दिन जो होता है अष्टमी के दिन, आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन जो है जीवित पुत्रिका व्रत स्त्रियां जो है अपने संतान के लिए आयुष्य और आरोग्य की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। यह निराजल व्रत होता है। इस व्रत को करने से उनके पुत्र को जो है यश और कृति की प्राप्ति होती है, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसमें शालिवाहन नामक राजा के धर्मनिष्ठ पुत्र जीवित वाहन की जो है गोबर की प्रतिमा बनाई जाती है, बना करके कुश की प्रतिमा बना करके जल में या गोबर में रख करके, और एक चिल्होड़ की प्रतिमा गोबर की बना करके विधिवत पूजन किया जाता है। पाकड़ का पेड़ रखा जाता है, रख करके स्त्रियां पूजन करती हैं और उसमें कथा का श्रवण करती हैं अपने पुत्र के आयु आरोग्य के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। यही व्रत का विधान।